नमस्कार। तो कैसे आप लोग? बढ़िया, आपका भाई भी मस्त है। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, और आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं होली का वीडियो क्यों नहीं डाला। क्योंकि मेरा तबीयत ना डाउन था इसी चलते। तो फिलहाल आज का ब्लॉग ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्यों पता है? क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं मेला, और ये मेला ना आदिवासी मेला है। तो आदिवासी मेला काफ़ी यूनिक है, और मेला कहाँ है वो तो आगे जाने के बाद ही पता चलेगा। हम लोग कौन कौन जा रहे हैं वो तो आगे जाने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल ना तेज़ हवा चल रही, बहुत ज़्यादा तेज़, इसलिए ना पूरा फट चुकी है पूरा प्लास्टिक। और ये फटी है रात में, क्योंकि ना रात में आंधी चल रही थी। और थोड़ा मोड़ा क्लिप ना मैं शूट किया था रात में, वो मैं एड कर दूँगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। होगा तो, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं। देखिए कितना खतरनाक आंधी चल रही, कितना खतरनाक हवा चल रही है, काफी खतरनाक है। पूरा दृश्य ना पूरा लग रहा है कि क्योंकि कभी भी गिर सकती है कभी भी। और अभी ना हम लोग घर से अपना रूम से बाहर आ चुके हैं, और प्लास्टिक ना पूरा फाड़ दिया पूरा। अगर आंधी है ना अभी चल रही है, पूरा दक्षिण से चल रही है, अगर उत्तर से चलती ना तो ना काफी प्रॉब्लम होता, करकट ना ये तो उड़िया ही देता। और अभी ना बारिश हल्की हल्की बूंदा बूंदी होना स्टार्ट हो चुकी है, तो आज ना सबसे डेंजरस दिन रहा, काफ़ी खतरनाक आंधी। ऐसा अभी ना बहुत कम ही देखने लिए मिला है, ना मिला वही सही है। कितना का नुकसान किया होगा, कितना लोगों का नुकसान किया होगा ना, अब भगवान ही जाने। लेकिन नुकसान बहुत लोग किया होंगे, बहुत लोगों को। कितना खतरनाक आंधी, वाह। अभी थोड़ा थम चुकी है आंधी, लेकिन जो फर्स्ट टाइम आया था ना उस समय मतलब कि सोच से परे था, इतना खतरनाक आने जाता था, इतना खतरनाक। अब यहाँ से निकलते हैं आगे। तो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं मेला, और हमारे साथ इधर पूरा ग्रुप आ चुके हैं। कुछ बोलना चाहते हैं? फर्स्ट टाइम है अभी हम लोग का ये टूटी लावा का मेला, फर्स्ट टाइम हम लोग का है। और फर्स्ट टाइम कौन आया है? कभी मेरा फर्स्ट टाइम ही है, अनुभव नहीं था यहाँ का फिलहाल कि यहाँ का मेला कैसा लगेगा देखने को। इसी वजह से हम लोग सब प्लानिंग करके आ जाए हैं यहाँ पे घूमने के लिए स्पेशल वो भी। और घर हमारे घर से लगभग 30 किलोमीटर होगा दूर में। हाँ, 30 किलोमीटर। और ये हैवे है ना, ये हैवे हजारी हो जाती है। और इधर चतरा सिमरिया से जुड़ती है। इसी रास्ते में ना मैं नेशनल हाईवे के किनारे किनारे मेला लगा हुआ है, तो देखते हैं मेला में क्या क्या देखने के लिए मिलता है, वो तो आगे पता चलेगा फिलहाल। तो अभी हम लोग अंदर एंट्री कर चुके हैं, और चलेंगे भी आगे की ओर। और हमारे साथ ना इधर आशीष भी आया है। आशीष ना कैमरा ऑन करते ना भाई, तो इधर करण कुछ बोलना चाहता है। करण, बस अच्छा खासा मेला है। और करण के मम्मी पापा देखेंगे, तो इतना गारंटी है कि 4-5 लोग मिलेगा, फिक्स है। इधर हमारे गणपत दोस्त कुछ बोलना चाहता है मेला के बारे में। दोस्त, हम अभी अनपढ़ हैं दोस्त, पढ़ेंगे तब। अनपढ़ है अभी, अनपढ़ है इधर बच्चों को खेलने के लिए। अच्छा, मेला का सबसे बड़ा खासियत ये है ना, यहाँ पर जो मतलब कि लड़का लड़की मिल जाता है वो शादी तुरंत लेके घर कर सकता है, इसलिए सबको लेके आए हैं। फिलहाल अभी ये लड़का एक शादी कर चुका है, दूसरा का इंतजार में आया है घूमने के लिए अभी। इसीलिए ना इसी का एक्सपीरियंस लेने के लिए हम लोग इसको लेके आए हैं, कि इसका एक्सपीरियंस कैसे कैसे क्या सेटिंग हुआ, तभी तो हम लोग सेटिंग करेंगे क्या। तभी हम लोग घुसने वाले हैं बच्चों की टोली में। उधर इधर हिंडोला भी आया, लेकिन एक बार सेटिंग किए थे, नंगा में मेला लगा था, अभी पता नहीं कहाँ लगे। अभी सेटिंग सीधा घर में होगा, हाथ पे लिख के नाम आशी की ट्यूब बना रहे थे उस दिन हम लोग मूवी। अभी अरे बरसात में अरे सच पानी कहाँ जा रहा है गिर रहा। तो इधर ना इधर जानवर का मेला था, लेकिन जानवर ना अभी शायद
पशु बिकना बंद हो गया है शायद, बहुत दिन हो गया ना मेला को। अरे कब मेला लगा पता है, कब से लगता है ये मेला? होली के टाइम से लगा हुआ मेला, होली के जस्ट गुजरने के बाद थोड़ा लगता है। तो आज पता चला है। कैसे पता सर? कैसे पता है ना, क्योंकि पहली बार आए हैं। हाँ उसी टाइम से लगता है। हम गूगल में सर्च किए थे, गूगल में। और इधर बच्चों के खेलने के लिए, बड़े को खेलने के लिए हिंडोला भी है, लेकिन मेला ना कम से कम 6 से 7 दिन के लिए। बच्चों को पीने के लिए मारे हैं तभी सभी लेगा। सुंदर सुंदर कन्या देखने को मिल रही है दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों, बड़ा रिक्की वाली कन्या दोस्तों। अभी जोड़ी लगाएंगे इसका इधर बच्चों को खेलने के लिए और बड़ों को खेलने के लिए, लेकिन बड़ा वाला नहीं आया रे। बड़ा वाला अगर बड़ा वाला आता ना तो हम लोग जरूर ऊपर जाते, चढ़ते घूमते। फर्स्ट टाइम आए तो फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस यही रहा। जो भी है सही है, आदिवासी मेला है तो सही है। काफ़ी भीड़ अभी है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो इधर हम लोग घूम लिए हैं। किधर जाने का? हेलीकॉप्टर वहाँ बैठा था ना। किधर जाने का? किधर जाने का? हेलीकॉप्टर बैठना। हेलीकॉप्टर? अरे कुछ चले लेते ना, इसको बैठा हेलीकॉप्टर पर। ये मेरा छोटा बच्चा हेलीकॉप्टर पर बैठना चाह रहा है। इसको बैठा, बैठा, बैठा। कोई किसके पर बैठेगा? बैठेगा तो पक्का। कौन कलर वाला पर बैठेगा हेलीकॉप्टर? दोस्तों बस मेला है दोस्तों। किधर चलेगा दोस्त? बाहर। तो ऐसा कोई खास है लेकिन सही है, लेकिन यहाँ से निकलेंगे। बच्चा का मेला है लगभग जैसा क्षेत्र के अनुसार सही है। करण अरे ले लो यार, अपना परिवार खातिर कम से कम। मैं हर बार जाएगी बैग वाले के लिए। ये वाला भी आवश्यकता है ज़्यादा। ई वाला ई वाला सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। करण घर से जाने ले लो लाभे चार दिन मजा करण काले का करण ले लो, एक ले लो। दस गोरे इसमें मेरा बेटा ये है तो मुन्नू पकड़े हुआ है। तो अभी हम लोग बाहर निकल रहे हैं हाईवे की ओर, क्योंकि जितना देखना था उतना हम लोग देख लिए। उधर इधर बर्तन है पूरा, बस सही है। लेडीज जेंट्स खाने पीने का सारा सामान, बस और क्या मिलेगा। इधर यहाँ किधर चलेगा? यहाँ से सबसे पहले आगे जाके देखते हैं। अब फर्स्ट टाइम आए तो पूरा घूम के ही जाएंगे यहाँ का माहौल लेकर के। भाई मेरा तो दूसरा तीसरा बार होगा मेरा ये टूटी लावा मेला। पुराना ग्राहक है जी? हम पुराना ग्राहक है, पुराना ग्राहक। चलो 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 बाबू। मेला बहुत दिन हो गया ना, इसी चलते अभी भीड़ बहुत कम है, नहीं तो ये भीड़ बहुत खतरनाक यहाँ रहती, बहुत खतरनाक। और ये जो रात में जो तूफान आया था बहुत भयंकर वाला, बहुत खतरनाक। हाँ वो आधा मेला बर्बाद कर चुका है। फिलहाल जानवरों का टोली इधर है। इधर गाय नहीं, कौन सा नस्ल का वो तो हमें पूछिए, ले जाके कितना लेगा? लेगा दोस्त? हाँ कितना देगा? वो 1-2 लाख में देगा? दूध पिएगा पिंटू? कितना पिएगा? एक दिन में 1 लीटर 4 लीटर देख रहा है भर ले है साला, 10 लीटर से कम नहीं देगा, 15 लीटर 2 लाख। कई नस्ल का इधर गाय हैं, बहुत खतरनाक खतरनाक। इधर देसी गाय हैं इधर। तो गाइस हम चचवा ये नहीं ले देते हैं कुछ मेला घुमाने आए। ले दो बाबू, ले दो बाबू थोड़ा सा बच्चा लोग का चचवा गाइस और कुछ नहीं ले दे रहे। तो हंसी मजाक होते ही रहती है। और बलवा मेला भी लगती है ना, तो कुछ इसी तरह हाईवे किनारे ही लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सक्रिय है क्योंकि हाईवे किनारे ही मेला लगा देते हैं, तो थोड़ा सा आने जाने का साधन थोड़ा सा दिक्कत होती होगी। अरे यार लवंडिया लंदन से लाएंगे वाला जो चलता है ना, वो नहीं आया यहाँ। नहीं आया, वो लंदन में रह गया, इसीलिए ये बंदा आया कि उदास है। इसका चेहरा तो ऐसा चेहरा ना खिला खिला सा नहीं है। तो मीचक होगा तो फिर सीधे घटना घट जाएगी, तो थोड़ा सा मेरा साइड में लगाना चाहिए, हाईवे के आस पास नहीं लगाना चाहिए। तो अभी हम लोग गन्ना जूस पीने वाले हैं,
कुछ मिला नहीं लेकिन गन्ना जूस मिला। अरे करण को पिला, सबसे पहले लूल्हा दोस्त को, इसका एनर्जी बहुत डाउन है, लड़क जाता बार बार। कहाँ है दोस्त, कहाँ लड़क जाता है? घूमने एक घंटा घूमने के बाद अभी हम लोग मेला से बाहर निकल रहे हैं और शायद हम लोग अब घर की ओर प्रस्थान करेंगे। जितना घूमना था उतना घूम लिए, मतलब कि बलबल से थोड़ा सा मेला ना छोटा है, जतन सौ रुपये थोड़ा सा नहीं बहुत छोटा है, छोटा है मेला। और इधर सभी लोहा लक्कड़, जितना सामान बलबल मिलता है ना उतना सामान यहाँ पर भी मिल जाएगा। तो नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सब ठीक है सर। कितना दिन हो गया मेला का? 7 दिन। और हम लोग जाने माना हलवाई जी हैं, बहुत खतरनाक हलवाई। तो अभी हम लोग निकल चुके घर की ओर। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं घर की ओर और मेला भी क्रॉस कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस, भी अच्छा रहा। आप भी आइए, लेकिन सही है जो भी है कदम पर, लेकिन ज़्यादा लेट से भी आना कोई फायदा नहीं है। मतलब अगर मेला आते हैं ना तो एक घंटा, आधा घंटा काफ़ी है, आधा घंटा पे पूरा घूम लीजिएगा, कोई बड़ा मेला नहीं है। लेकिन आदिवासी मेला है तो अच्छा है, जो भी है सही है। लेकिन इसमें कमी रहा, हिंडोला रहता है ना बड़ा बड़ा जो बल्बों में आता है वो वाला, तो और मज़ा आता। तो अभी हम लोग ना काफ़ी ख़तरनाक जंगलों से गुजरते हुए हम लोग जा रहे हैं। आगे देखा, थोड़ा सा आगे देखा, यहाँ हम लोग बोलते हैं जलेबिया मोड़, जो काफ़ी ख़तरनाक मोड़ है और काफ़ी एक्सीडेंट भी होता है, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट। यहाँ रोड भी ना पूरा ख़राब है, देख सकते हैं यहाँ ऐसी गाड़ी उतना चलती नहीं है, लेकिन अगर कभी चलती है ना तो एक्सीडेंट होना यहाँ लाजमी है। और हम लोग आधा घंटा कंटिन्यू हम लोग चल रहे हैं, लेकिन इस रास्ते में ना एक भी बंदा नहीं मिला, एक दो मिला बस लोकल गांव के लोग, लेकिन बाहर वैसा गाड़ी कोई भी नहीं मिला। ये कुरांबे पहाड़ काफ़ी खूबसूरत पहाड़ है, यहाँ का ये व्यू पॉइंट है, कई बार मैं वीडियो में दिखा चुका हूँ। और ये है आदिवासी घर इलाका, अब मौसम पूरा ख़राब है, कभी बारिश हो सकती है। बोलो क्या बोल रही थी? राम राम सीता फाते के, राम राम सीता फाते के, राम राम सीता। तो अभी घर आ चुके हैं और अभी बच्चे बोल रहे राम राम भाई सिस्टम फाड़ देंगे। बोलो अच्छा से, अच्छा से, अच्छा से बोलो। राम राम, राम 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 भाई सिस्टम फाड़ देंगे, सिस्टम फाड़ देंगे, बाबा बता दो अभी तो फाड़ देंगे, सिस्टम फाड़ देंगे, राम राम सिस्टम फाड़, राम राम भाई सिस्टम फाड़ देंगे, राम राम भाई सिस्टम फाड़ देंगे। तो रात के बज चुकी है 10 और अभी खाना ना खा लिया हूँ और गर्मी ना बहुत ज़्यादा है, ऐसे ज़्यादा है, और इधर ना फैन भी नहीं है, पंखा भी नहीं है, तो रात में काफ़ी दिक्कत होता है। लेकिन कोई बात नहीं, उतना अभी गर्मी है लेकिन सहने लायक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और आज लेट भी नहीं है, देख सकते हैं, तो बैटरी वाला लेट ना हम जला दिए हैं। तो इस टाइम खाना ना खा कर हो चुका हूँ रेडी, अब सोने का तैयारी करते हैं। इधर दूध था वो पी लिया हूँ, उससे ना इसको ना छोड़ा कर मलाई है तीस ना, खाने में जाता है, खाएंगे उसके बाद ही सोचेंगे। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए, ठीक है? राधे राधे, जय श्री राम।